हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलाश राव और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच आज खेला जाना था, लेकिन कोविड के चलते जो भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और फाइनल टेस्ट अब कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ी खबर भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट और अंतिम टेस्ट मैच जो कोविड के चलते रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय टीम में कोविड की एंट्री हो चुकी थी। ओवल के ही मैदान में, लंदन के ओवल मैदान से ही जो है कोविड मैनचेस्टर तक पहुंच गया भारतीय टीम के साथ, क्योंकि भारतीय टीम में कोविड की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले लंदन के ओवल मैदान में ही जब चौथा टेस्ट मैच चल रहा था, उस दौरान ही हमारे हेड कोच, भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री जी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहीं भरत अरुण और श्रीधर जी है, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन मैनचेस्टर में आज पांचवा टेस्ट मैच खेला जाना था, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में। ओल्ड ट्रैफर्ड जो क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाना था, लेकिन कोविड के चलते हमारे भारतीय खिलाड़ी है, इन्होंने मना कर दिया खेलने से, कि इतनी बड़ी रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। साफ मना कर दिया पांचवा और फाइनल टेस्ट खेलने से। हालांकि उनकी रिपोर्ट जो है जांच की गई थी, हमारे सभी भारतीय टीम के जो सभी प्लेयर है उनकी जाँच हुई थी, तो सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। कल ही इनकी जांच हुई थी, जो भारतीय प्लेयर्स है सभी की जांच की गई थी, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। हालांकि सपोर्ट स्टाफ है, जो तीन सपोर्ट स्टाफ, कल परसों में खबर आई कि तीन सपोर्ट स्टाफ भी इसमें जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और फिजियो जो है, जो भारतीय टीम के साथ जो फिजियो थे, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स है खेल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो 19 सितंबर से आईपीएल का पार्ट टू खेला जाना है, उसके लिए रवाना होना है दुबई के लिए। तो इसी वजह से आईपीएल तक ये कोविड ना पहुंचे, इसलिए इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय टीम। और साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच हम नहीं खेलेंगे। तो भाई बड़ी खबर है, रद्द कर दिया गया है पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला, रद्द कर दिया गया है। और 2-1 से श्रृंखला अब भारत के नाम हो चुकी है। पहले तो बताया जा रहा था कि भाई कुछ 12 घंटों के लिए या 24 घंटों के लिए, जो भी एक दिन के लिए हो या दो दिन के लिए हो, ये मैच रद्द किया गया है। एक दिन दो दिन के बाद ये मैच खेला जा सकता है, लेकिन ऐसा अब जो अंतिम निर्णय आया है, हम आपको अंतिम जो निर्णय है वो बताने जा रहे हैं। अंतिम निर्णय जो आया है, फाइनल जो अनाउंसमेंट कर दिया है ECB ने भी और जो BCCI ने भी, कि भाई भारत और इंग्लैंड के बीच जो पांचवा टेस्ट मैच है वो पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, 2-1 से श्रृंखला भी भारत ने आप जीत ली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पर, हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग अपडेट है, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है कोविड के चलते। तो 2-1 से श्रृंखला अब भारत ने जीत ली है। पहले स्टेटमेंट दी थी ECB ने कि भाई भारतीय टीम ने खेलने से मना कर दिया है, तो अब श्रृंखला जो है बराबरी पर हो सकती है, लेकिन नहीं, 2-1 से श्रृंखला अनाउंस हो चुकी है, 2-1 से श्रृंखला भारत के नाम हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर है। तो भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दो टेस्ट मैच है इसमें भारतीय टीम जीत चुकी थी, एक टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुकी थी, तो वहीं जो एक टेस्ट मैच है वो ड्रॉ कर दिया गया था। आज पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाना था, जो कोविड के चलते रद्द कर दिया गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए थे कुछ हमारे सपोर्ट स्टाफ भारतीय टीम के, तो इस वजह से
अब रद्द कर दिया गया है। 2-1 से श्रृंखला भारत के नाम हो चुकी है। हालांकि 3-1 से भी जीत सकती थी भारतीय टीम श्रृंखला, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच नहीं खेला जाना है, अब रद्द कर दिया गया है कोविड के चलते, क्योंकि आईपीएल होने वाला है आने वाले समय में, जो 19 सितंबर से हाफ जो आधा हाफ जो बचा था आईपीएल का, वो दुबई में खेला जाना है। यूएई में रवाना होने वाली है भारतीय टीम, तो उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहती और पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया है भारतीय टीम ने। और अब जाहिर तौर पर अब पूरी तरह अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई भारत के नाम ये सीरीज़ कर दी गई है, 2-1 से श्रृंखला भारत के नाम कर दी गई है। ये पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है ईसीबी के तरफ से भी। तो भाई भारत 2-1 से श्रृंखला जीत चुका है और बड़ी खबर है ये, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे। वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।